अरे छोटी बच्ची हो क्या, सब्सक्राइब नहीं करते? अरे ढेट हो क्या सब? सबको आते नहीं, मेरे चाहते नहीं। ये आटो जल्दी से आजा, कम ऑन। हाँ मजा आ गया, मार भाई। अरे ये तो पेल्ला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आ गया हूँ टेकन 3 की ब्रांड न्यू वीडियो लेके, और ये वीडियो कोई की कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोडिंग या इंस्टॉलिंग के ऊपर नहीं होने वाली है, बल्कि एक रियल एक ग्रैब सीखने वाले हैं, वो भी अपने फेवरेट प्लेयर यानी कि किंग की ग्रैब। ठीक है, बिल्कुल ही नई ग्रैब है गाइस, आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे गाइस ग्रैब का नाम है क्रिस जेरिको मूव, और आपको अगर याद होगा रेसलिंग में क्रिस जेरिको ये अपना फिनिशिंग मूव लगाता था, देखो इस तरीके से, तो ग्रैब का नाम है क्रिस जेरिको मूव, यही आज हम सीखने वाले हैं। वैसे मैंने एक पोल डाला था अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब में, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि मैं टेकन 3 की वीडियो किस प्लेयर पे बनाऊं, किंग, नीना, ली या लॉ। तो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले वो डेफिनेटली किंग है 74%, उसके बाद सेकंड नंबर पे लॉ है 12%, और फिर थर्ड और फोर्थ में नीना और ली। ठीक है, वैसे ली की भी मेरे को काफी रिक्वेस्ट आती है कि ली की कुछ सिखाओ ग्रास वगैरह, वैसे मुझे ली से कुछ भी नहीं आता है यार, सच में कुछ नहीं आता है, सिर्फ ली ऐसा प्लेयर है जिस मुझे नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा ही आता है। वैसे नीना से मुझे काफी कुछ आता है, लॉ से भी आता है। नीना की कुछ ऐसी ग्रैब्स है ना, मतलब वो भी 4 ग्रैब कॉम्बो वाली ग्रैब है, चार चार पटकियां तुम एक साथ पकड़ सकते हो नीना की। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग भाई नीना जो प्लेयर है। ठीक है, काफी सारी ग्रैब्स है इसकी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो वो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। हाँ, अरे क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो यार। अरे छोटी बच्ची हो क्या, सब्सक्राइब नहीं करते? बड़ा टाइगर, गुस्सारी होने का भेड़ो। अरे पापा आप बीच में मत बोलिए प्लीज, ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो देख के चले जाते। कुछ तो ऐसे ढीठ हैं, वो वीडियोस ही नहीं देखते। अरे क्या करूं पापा, अरे ढीठ हो गया सब। अरे यार ये तो मेरा डायलॉग ही नहीं है, मेरा असली डायलॉग तो ये है, अरे छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता साथ में रहो, कुछ हो जाता तो। टाइगर कूल 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 रहने का बिड़ो। अरे पापा सबको आते नहीं, मेरी चाहते नहीं, हम मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते नहीं। खैर छोड़ो, अरे आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो वो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, हाँ उसको अभी कभी प्रेस करो और ग्रे कर दो। ठीक है, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आप मेरी कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे ट्यूटोरियल वीडियोस देखते हुए आ रहे हो ना, तो आपको पता ही होगा अगर आप अपने कीबोर्ड की सेटिंग कुछ इस तरीके से कर लोगे ना, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, इस पर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है लेटेस्ट, वैसे दो वीडियोस मिल जाएगी आपको चैनल पे, पुरानी वाली और एक बिल्कुल लेटेस्ट है। आप मेरा चैनल खोलिए, पोटैटो लाइफ नाम से सर्च करना, उसके बाद वीडियोस टैब में जाओगे तो लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 प्लेयर्स। ठीक है, उससे आप सिंगल प्लेयर सेटअप भी कर सकते हो, डबल प्लेयर सेटअप भी कर सकते हो, 2 प्लेयर सेटअप। ठीक है, बहुत ही सही वीडियो है गाइस, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी, एंड ऑफ द वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, और गाइस अगर आपको टेकन 3 डाउनलोड और प्रॉपरली इंस्टॉल करना है ना विदाउट एनी एरर्स, उसके लिए भी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई है फिर से दोबारा से, जिसमें सारे एरर्स मैंने फिक्स कर रखे हैं। अगर आपको वो चेकआउट करना है, तो आप यहाँ फिर से आई बटन पे चेक कर सकते हैं, एंड ऑफ द वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट सब मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आप प्लीज चेकआउट कर लेना। गाइस अब हम देख लेते हैं कि हम किंग की कौन सी अमेजिंग ग्रैब आज सीखने वाले हैं। तो बहुत सारे स्क्रीन शेक्स, स्क्रीन पंप्स आने वाले हैं गाइस, गेट रेडी।
सो गाइस देखा आपने ये वाली किंग की ग्रैब कितनी अलग थी, ठीक है, यूनिक। और आपने शायद बहुतों ने पहली बार देखी होगी ये ग्रैब। सीखने में भी मुझे वैसे बहुत ही सिंपल ग्रैब है, लेकिन इसको लगाने का बहुत ज़्यादा टाइमिंग बिठाना पड़ता है, ठीक है, पैटर्न का और हर चीज़ का। तो वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ गाइस। सो चलते अपने कीबोर्ड पर, चलिए गाइस। सो गाइस हम सेलेक्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस मोड, ठीक है, और सेलेक्ट कर लेते हैं किंग और ओपोनेंट में लॉ। अब किंग मैंने इसलिए सेलेक्ट करा है ना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वोटिंग किंग की थी, और ओपोनेंट में लॉ इसलिए करा है क्योंकि सेकंड इसकी वोटिंग ज़्यादा थी। ये मेरा सड़ा सा लॉजिक। अब देखो गाइस, एक बार मैं बटन्स के ऊपर जो की मैपिंग मैंने की है, की कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने की है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ जो भी चैनल पर नए हैं। वैसे तो मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और जो मैंने ये स्टिकर टाइप के बना रखे हैं इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, सेम ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। आप यहाँ आई बटन पर चेक कर लेना, ठीक है, यहाँ कोने में यहाँ चेक कर लेना, ऐसे करके हाथ जा रहा होगा, ठीक है, चेक कर लेना। आप बहुत ही सही वीडियो है और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखो आपको, लेकिन मैं इस वीडियो में ब्रीफ दे देता हूँ थोड़ा सा। ये जो एरो कीज़ है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये प्लेयर के मूवमेंट कीज़ हैं, ठीक है, यानी कि अप से ऊपर होता है किंग, डाउन से ऐसे बैठ जाता है, लेफ्ट से पीछे को होता है और राइट से आगे को जाता है, ठीक है, नॉर्मल जो मूवमेंट्स होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, ये तो आप समझ गए होगे। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, नम पैड में जो मैंने की कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है इसके ऊपर। अब देखो ये 5 और 6 जो कीज़ है ना, ये दोनों पंचेस की कीज़ हैं, ठीक है, यानी कि ये जो 5 है लेफ्ट पंच है और जो 6 है ये राइट पंच है, लेफ्ट पंच राइट पंच। देखो आप स्क्रीन पे देखो, यहाँ लेफ्ट पंच राइट पंच, ठीक है, समझ गए गाइस, ये दोनों पंचेस के हैं। इसके जस्ट नीचे ये किक्स के बटन्स हैं, ठीक है, ये लेफ्ट किक, ये राइट किक, ठीक है, आप समझ गए होंगे, लेफ्ट पंच राइट पंच, लेफ्ट किक राइट किक, ठीक है, सिंपल। अब देखो मेरा ये जो कीबोर्ड है ना, ये एंटी घोस्टिंग इनेबल्ड है, ठीक है, यानी कि इसमें आप सारे बटन दबाओगे सारे कीज़ ले लेगा। ये देखो सारे बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ, चारों के चारों बटन दब गए। देखो देखा जाए तो मेरे को L1 L2 और R1 R2 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे ही बटन मेरे दब रहे हैं, ठीक है, 3 बटन दबाऊँगा वो भी दब जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास एंटी घोस्टिंग फीचर इनेबल्ड कीबोर्ड नहीं होता है, उसके लिए मैंने L1, L2, R1, R2 इंक्लूड करे हैं, ठीक है। अब इन बटन्स को ना आप एक ही बटन के अंदर 2 बटन्स को मैप कर सकते हो, यानी कि देखो ये दोनों बटन्स ना L1 को मैंने मैप कर रखा है, ठीक है, इन दोनों बटन से L1 चल जाता है, ठीक है, और सेम इन दोनों बटन के लिए L2 मैंने सेट कर रखा है। देखो ये दोनों बटन्स प्रेस हो रहे हैं ना, जब L1 के लिए भी सेम काम है, ठीक है, और ये दोनों बटन जब प्रेस हो रहे हैं L2 भी सेम काम कर रहा है, ठीक है, सेम ऐसे जो पंचेस के दोनों बटन्स है वो R2 के लिए है, ठीक है। देखो दोनों बटन्स मैं पंचेस के प्रेस कर रहा हूँ, सेम है, और R2 के प्रेस कर रहा हूँ, ये भी सेम है। सेम ऐसी दोनों मैं किक्स के बटन प्रेस कर रहा हूँ और R1 प्रेस कर रहा हूँ, तो सेम वर्क कर रहा है, ठीक है, ये आप समझ गए होगा गाइस। L1, L2, R1 और R2, ये वैसे मैंने 16 पटके के लिए मैप करा था, लेकिन ये सारे ही प्लेयर्स के लिए और खासकर किंग के लिए बहुत सही से काम करता है ये वाला सेटअप। चलो गाइस, आई होप आप ये थोड़ा सा ब्रीफ समझ गए होगे, थोड़ा सा लंबा हो गया, यानी कि 2-2.5 मिनट का हो गया ये मेरा ब्रीफ, लेकिन इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप ज़रूर चेकआउट करना। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आज की मूव सीख लेते हैं जिसका नाम है क्रिस जेरिको मूव, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो ये रही क्रिस जेरिको मूव, ठीक है, आपने रेसलिंग में देखा ही होगा, ठीक है। अब इसको सीखने के लिए ना सबसे पहले आपको थोड़ा मूवमेंट कीज के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो स्टार्टिंग से है, उनको पता होगा एक मूव है ओआ, ठीक है, वो पॉल ने, मतलब पॉल जो बोलता है ना ओआ, उससे मैंने इस मूव का नाम रखा है, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, डाउन और फॉरवर्ड की का यूज़ करना है, डाउन और फॉरवर्ड, और उसके बाद आपको फिंगर को फ्लिक करना है डाउन से फॉरवर्ड की तरफ। देखो ये, देखो ये पहले डाउन प्रेस होगा फिर फॉरवर्ड प्रेस होगा, और ऐसे फ्लिक करना है फिंगर को, टिक टिक टिक, ठीक है। ये मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक था, खैर आगे चलते हैं। डाउन और फॉरवर्ड, ठीक है, ऐसे इस तरीके से फ्लिक करना आपको जल्दी से, तो ये मूवमेंट होनी चाहिए। अब देखो मान लो आपका किंग इस साइड आ गया, ठीक है, तो हमारी प्लेस चेंज हो गई, ठीक है, हम इस साइड पहुंच गए राइट साइड। अब हमारे लिए डाउन तो सेम होगा, ठीक है, डाउन तो सेम है, लेकिन फॉरवर्ड इस की से होगा। देखो आगे इस तरफ जा रहा है ना किंग, ठीक है, इससे पीछे आ रहा है, तो डाउन और फॉरवर्ड रहेगा, और डाउन से फॉरवर्ड की तरफ को आप फ्लिक करोगे फिंगर को इस तरीके से, तो इस तरीके से ओआ ये रहेगी, ठीक है।
तो ये तो था ओवा। अब मैं इस साइड आ जाता हूँ, मुझे इस साइड कंफर्टेबल लगता है। तो आपको ग्रैब स्टार्ट करने के लिए जो की प्रेस करनी है ना वो है ये 5, ठीक है। अगर आपको ओवा लगानी आती है वो सिंपल था, आपको ओवा इस की से लगती है ना। लेकिन किंग की जो ये वाली ग्रैब है वो इससे स्टार्ट होती है 5 की से, ठीक है। ओवा लगा के ये, तो ये ग्रैब स्टार्ट हो गई गाइस, ठीक है। एक बार और देख लो, ओवा और ये वाली की, ठीक है। ग्रैब इस तरीके से स्टार्ट होगी। अब देखो इसमें एक मैं वेरिएशन बता देता हूँ, यानी कि बोनस। देखो अगर आप नॉर्मल इस तरीके से पकड़ के छोड़ देते हो तो ये नॉर्मल एक पटकी हो गई, ठीक है। अब देखो जैसी मैं पटकी लगाऊंगा ना ये वाली, मैं ये ऊपर के पंचेस के दोनों बटन प्रेस करने स्टार्ट कर दूंगा तेज तेज, ठीक है। या तो आप ये दोनों प्रेस कर सकते हो इस तरीके से, या तो R2 प्रेस कर सकते हो, ठीक है। दोनों का सेम ही वर्क। देखो ये मैंने प्रेस करा और ये देखो अलग वेरिएशन है ना। देखो खाली ये पकड़ोगे, पकड़ ले भाई, ये पकड़ोगे तो देखो कुछ नहीं, बस नीचे पटक दिया। अब मैं दोनों पंचेस के दबाऊंगा, ये देखो ये चेंज इस तरीके से पटका। एक बार और देखो, R2 का यूज़ करूँगा मैं, एकदम पकड़ते ही आपको ये दबाने हैं R2 या फिर ऊपर पंचेस के, ठीक है। ये तो हो गई एक एक्स्ट्रा पटकी, एक ही पटकी है, बट अब देखो ये डुअल पटकी है, ठीक है। पहली पटकी तो यही होगी सेम, उसके बाद ये क्रिस जेरिको मूव लगा देगा, देखना गाइस, ठीक है। उसके लिए आप एक पैटर्न याद कर लो गाइस, पैटर्न ये है R2 2 3 R2, ये पैटर्न है सिर्फ R2 2 3 R2। स्क्रीन पे देखो गाइस ये पैटर्न है, ऊपर के दोनों, फिर लेफ्ट किक राइट किक, फिर से ऊपर के दोनों बटन्स, ठीक है। आप इस तरीके से भी प्रेस कर सकते हो, ऊपर के दोनों बटन, ये ठीक है, ऊपर ये। लेकिन इसमें क्या होता है ना, फिंगर कभी कभी स्लिप हो जाती है या फिर इस तरीके से प्रेस होते हैं, देखो बटन बीच में कोई बटन आ जाता है इस तरीके। देखो यहाँ आ रहा है ना ग्रीन बटन, बीच में आ गया रेड के। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप R2 का यूज़ करो, ठीक है। R2 2 3 R2 जल्दी से प्रेस करना हो। देखो स्पीड जो रहेगी वो काफ़ी फास्ट रहेगी पैटर्न की, वो रहेगी R2 2 3 R2, ठीक है। देखो स्पीड, देखो एक्चुअल स्पीड, ये स्पीड है, देखो टक 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 इस तरीके से, समझ गए गाइस। मैं आपको एक्चुअल ये जो पटकी है वो लगाना सिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था, ओवा लगा के आपको ये बटन प्रेस करना है, ठीक है। ओवा लगा के ये वाला बटन पहला पंच का, तो ग्रैब स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक सेकंड के लिए रुकना है, ठीक है। एक सेकंड के लिए क्यों रुकना है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहले आप ये वाली ग्रैब सीख लो, ओवा लगा के ये वाला बटन प्रेस करना है, ग्रैब स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद R2 2 3 R2, ठीक है। देखो अब पूरा ग्रैब, देखो ये क्रिस जेरिको मूव हमने लगा दी। एक बार और देख लो गाइस, आजा भाई थोड़ा सा रुका, ये देखो, ठीक है गाइस। अब देखो मैंने रुकने के लिए क्यों बोला, ठीक है। ग्रैब स्टार्ट करके मैं तुरंत क्यों नहीं ये कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे भी एक कारण है, ठीक है। ये देखो ये होता है, अगर तुरंत आप कर दोगे ना स्टार्ट, ठीक है, तो क्या होता है ना, देखो हमने ये पटकी लगाई, अब इस वाले पैटर्न में ये बटन यूज़ हो रहा है, तो जल्दी से अगर आप दबा दोगे ना तो ये पहले ये वाली पटकी मार देगा, ये वाली, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रुकना होता है कि किंग थोड़ा सा नीचे जाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा रुकोगे और ये ग्रैब लगा देगा किंग। आई होप गाइज आप समझ गए होगे, ठीक है। अब एक बार हम आर्केड मोड में जाके देखते हैं गाइज, सबको मैं यही मूव्स मारूंगा, ठीक है। चलते हैं आर्केड मोड में। सो गाइज चलते हैं आर्केड मोड में। ठीक है अब देखना गाइस, ये मैंने ग्रैब पकड़ी, ये पहली खाली ग्रैब, ठीक है, खाली ग्रैब हो गई। अब मार भाई, अब R2 प्रेस कर रहा हूँ जल्दी से, ये चेंज हो गई, ठीक है, ठीक है, चेंज हो गई, थोड़ा सा मार खा। अब ये इसके बाद ये जल्दी से, ये यस कम ऑन, देखो रिप्ले में देखो क्या मस्त ग्रैब लगती है गाइस, ये मज़ा आ जाता है मार के। क्रिस जेरिको मूव, एक और राउंड खेलते हैं, ठीक है। इस बार ये नहीं यार, मिस कर दिया मैंने, देखो टाइमिंग का खेल है इसमें, जल्दी से प्रेस करना होता है आपको, ये R2 जल्दी से, आजा कम ऑन, हाँ मज़ा आ गया। एक और बार देखो गाइस, ये मैंने पकड़ी R2 और ये जल्दी से कम ऑन, पूरा चले जाना चाहिए, अरे बच गया यार, चलो रिहर्सल करते हैं।
मार भाई। अरे ये तो पेला है। चल भाई आजा, मार पैर मार। यस रिहर्सल, यस 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 यस। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये वाली ग्रैब लगाना आ गया होगा। क्रिस जेरिको मूव नाम है इसका। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल ग्रैब है, ठीक है। बस टाइमिंग का खेल है और पैटर्न भी बहुत छोटा है इसका। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली नीना के ऊपर लाऊंगा, क्योंकि उसकी भी बहुत अमेजिंग अमेजिंग ग्रैब्स हैं। 4 ग्रैब कॉम्बो और 3 ग्रैब कॉम्बो, ठीक है, बहुत अमेजिंग ग्रैब्स है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कीबोर्ड पर। तो चैनल के साथ जुड़े रहना गाइज, और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। इस तरीके का अमेजिंग गेमिंग कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और गाइज मैं दूसरे गेम्स भी खेलता हूँ, जैसे कि GTA 5 और अनरेवल हो गया। और फिलहाल तो चैनल पे यही 2 सीरीज है मेरे चैनल पे। मैं बाकी और गेम्स भी खेलूंगा आगे फ्यूचर में, तो चैनल के साथ बने रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।